हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सतगुरु लोक उजागर। माँ मारुति मेरा लाल आ क्या? यहाँ है मारुति माँ। मारुति माँ मारुति माँ मारुति हाँ क्या? अभी तो सुना था, पुकार रहा था मुझे। अच्छा छुप गया है कहीं नटखट, अपनी माँ को सता रहा है। अरे कहाँ गया? अब बस भी करो पुत्र। मारुति आ जाओ पुत्र, माँ के गले लग जाओ। माँ माँ, मारुति तनिक सा छुप गया और आप रोने लगी, किंतु मारुति तो आपके पास ही है, आप रोइएगा मत। मारुति को क्षमा कर दीजिए माँ, मारुति चला गया था, किंतु मारुति ना होकर भी सदैव आपके साथ रहेगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? आओ माँ के पास आओ, माँ तुम्हें सीने से लगाने के लिए तरस रही है। आओ पुत्र। क्या हुआ मारुति, तुम पीछे क्यों जा रहे हो? मेरे पास आओ पुत्र, आओ। माँ मारुति तो आपके पास ही है, आपके हृदय में। भले ही आप मारुति को छू ना पाए, किंतु आप अपने नेत्र बंद करके देखिए, आपको मारुति की ही छवि दिखाई देगी, मारुति ही दिखाई देगा। तुम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? तो दौड़कर मेरे सीने से लिपट जाते थे, फिर आज पीछे क्यों जा रहे हो? मारुति अपना हाथ दो मुझे, आओ मेरे पास आओ। किंतु कैसे आए मारुति आपके पास? माँ मारुति तो आपसे बहुत दूर चला गया है।
किंतु आप रोइएगा मत, मारुति तो आपके पास ही है, आपके हृदय में। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें पकड़कर अपने आंचल में छुपा लूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। पास आओ पुत्र, अंजना के हृदय पर जो बीत रही होगी उसका आभास है मुझे। मेरे पुत्र गणेश का भी शीश कटा था एक समय, ऐसे में कैसी पीड़ा, कैसी वेदना उठती है माँ के हृदय में, उसे एक माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं। अंजना की वेदना मेरी उस पीड़ा से तनिक भी कम नहीं होगी। अनर्थ हो गया जगत पालक, पद के मद में चूर होकर इंद्रदेव ने अन्याय किया है। एक बालक पर वज्र का प्रहार, ये तो देवराज के योग्य है ही नहीं। एक अबोध बालक की शिशु लीला को ना समझकर उसे इतना कठोर दंड, श्रीहरि, इंद्र ने तो संसार की संपूर्ण मातृत्व शक्ति पर आघात किया है। आपका कथन सत्य है प्रिय, वज्र का एक बालक पर प्रहार, ये तो मद की पराकाष्ठा है। किंतु इंद्र ने तो अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, सृष्टि के सभी तत्व सुचारू रूप से अपने अपने नियम के अनुसार कार्य करें, इसका उत्तरदायित्व तो इंद्र का ही है प्रिय। सृष्टि के नए नियंता और संचालक होने के बाद इंद्र का ये सबसे अनुपम कार्य है। हे जगत श्रष्टा,
आपने तो जगत की सृष्टि की है और आप तो समझते हैं। नारी जीवन की संपूर्णता है संतान। अपनी संतान की मृत्यु का आभास भी माँ के लिए स्वयं की मृत्यु से भी अधिक दुखदायी और पीड़ा कारक होता है स्वामी। इंद्रदेव ने एक बालक पर वज्र प्रहार करके बहुत ही अशोभनीय और दुष्टतापूर्ण कार्य किया है। ऐसे सब दौड़ कर नहीं जाते। वो क्या है? कहाँ? कहाँ? उस पर्वत की ओर, आकाश से जो नीचे आ रहा है। कहीं वो हमारा मित्र मारुति तो नहीं? बड़े बड़ा बड़े मारुति, वही वानर बालक, क्या वो मर गया? ये तो लंकेश के लिए बहुत ही बड़ा और सुखद समाचार है। बल लंकेश अति प्रसन्न होंगे यह सुनकर कि वो वानर बालक मारा गया। ब्रह्मं प्रसन्नं प्रसन्न हुए हम। बहुत मधुर लग रहा है कानों को सुनकर राहु, फिर से कहो। राहु जिसके सिर पे सवार, उसका हुआ बंटाधार। इंद्र की मति फिरा दी मैंने। महाबली, बालक ने तो सूर्य को निगल लिया था, किंतु राहु की टेढ़ी चाल के सामने बच नहीं सका वो। मैंने इंद्र को देवासुर संग्राम का भय दिखाया, उसको भड़काया कि उस तुच्छ बालक ने उसका अपमान किया है। बस फिर क्या था, उस अभिमानी इंद्र के अंदर तो अहंकार की अग्नि वैसे भी जलती रहती है, उसमें मैंने बहुत सारा घृत उड़ेल दिया। घृत इस उद्दंडी बालक को तो आपका वज्र ही दंडित कर सकता है देवराज इंद्र, वज्र ही दंडित कर सकता है देवराज इंद्र। आपके समस्त अस्त्र तो विफल हो चुके हैं, तो विफल हो चुके हैं, तो विफल हो चुके हैं, तो विफल हो चुके हैं। उस इंद्र के हाथों मृत्यु का उपहार दिलवा दिया मैंने उस बालक को। ब्रह्मं प्रसन्नं, ए इंद्र, तुझसे प्रसन्न हुए हम, पुरस्कार देंगे तुझे। आज देवराज का वज्र देवताओं के ही विरुद्ध चला। असुरों का कार्य किया है उसने। ग्रहण के समय आकर्षण कवच की सिद्धि असफल होने का क्रोध शांत हो गया। राहु, अद्भुत है तेरी माया। राहु जिसके सिर पे सवार, उसका हुआ बंटाधार। मारुति, मारुति,
जाओ अंजना। महारानी जी उस तरफ मत जाइए। महारानी जी बालक मारा गया। असुरों का शत्रु मेरा शत्रु, देवताओं की भी शक्ति थी ना उसके पीछे। चक्रासुर और वृक्षासुर की आत्मा को शांति मिलेगी। हम आनंद मनाएंगे, उत्सव करेंगे और शेष सारा जग विलाप करेगा, रोएगा। ये मारुति ये राम दूत, ये आंजनेय ये केसरी पूत, राम से तू ये सबका प्यारा, इनको इंद्र ने वज्र से मारा। ये देखो सद्गुण का वंश, ये है महादेव का अंश, राम से तू ये सबका प्यारा, इनको इंद्र ने वज्र से मारा। ये मारुति ये राम दूत, ये आंजनेय ये केसरी पूत, राम से तू ये सबका प्यारा, इनको इंद्र ने वज्र से मारा। नारायण नारायण। क्षमा करें प्रभु, मैंने सूर्यदेव के अभिमान को खंडित करने और उनके अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए ये सब किया था, किंतु देवराज इंद्र अविवेकवश बुद्धिहीन होकर इतना बड़ा अनर्थ कर देंगे, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अभिमान मात्र सूर्यदेव में कहां था देवर्षि? देवराज इंद्र के नेत्र तो अहंकार से अंधे हो चुके थे, जो ये भी ना देख पाए कि उनके समक्ष एक अबोध बालक है, वज्र का प्रहार करते हुए उनके हाथों में कंपन तक नहीं हुआ। एक क्षण को भी नहीं सोचा देवराज इंद्र ने कि इसका परिणाम क्या होगा। मारुति, रुष्ट हो गया पुत्र, मेरे पास
क्यों नहीं आ रहे? मारुति कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ हो गया है क्या पुत्र? तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ रही है। रुक जाओ अंजना, उस ओर जाने से तुम संकट में पड़ जाओगी, आगे मार्ग नहीं है। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अवश्य ही मारुति को कुछ हो गया है। मारुति, तुम कहाँ जाओगी? वहाँ दुर्गम घाटियाँ और पर्वत है वहाँ। कितनी भी दुर्गम घाटियां पर्वत क्यों ना हो, मैं अपने पुत्र के पास अवश्य जाऊंगी। जाने दीजिए मुझे, मेरा पुत्र है वो।